हम नहीं डरते हैं। ये जो NSA UPA में डालने की बात भाजपा RSS के लोग करते हैं, बोलने वालों को जेलों में डाल दिया जाता है, हम नहीं डरते हैं। हम खुदीराम बोस के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे। फिल्म होता, कोई गफ्फार होता तो नागिन डांस डाल रहे तो चौक चौराहा पर घगरा चौक। शास्त्री की कसम, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, आपके बच्चियों का वास्ता। आप बताओ कि प्रधानमंत्री ने इन बच्चियों के साथ नाइंसाफी करी या ना करी? आप बताओ, आपके पत्रकारिता का वास्ता। ये मोदी फीविया की बीमारी है। एक माला ले लो 108 दाने का, मोदी 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 मोदी। आपकी जो भाषा है वो जिस तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, मर्यादित होना चाहिए ना, मर्यादित होना चाहिए। पहलवानों का जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है आंदोलन के रूप में 23 अप्रैल से लगातार शुरू है, और 3 दिन से पिछले हनुमान मंदिर तक मार्च निकला जंतर मंतर से, और इसके पहले राजीव चौक तक निकला, और आज जो है राजघाट तक गए हैं। यहाँ पर जो हर आंदोलनों में आप देखते हैं कि एक जो चेहरा होता है, पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर भी, और आज ये समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं पहलवानों का धरना जो चल रहा है, 1 महीने होने को है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, हिंदू धर्म में जहाँ नारी का पूजा होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और प्रधानमंत्री जी हिंदू नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी की माँ की अंतिम क्रिया में मुंडन तक नहीं कराया, और अपनी पत्नी जिस हिंदू धर्म में माँ सीता के लिए रामचंद्र ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, तो आप जसोदा बेन की स्थिति देख सकते हैं। ये फर्जी हिंदू धर्म के लोग हैं। और प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, और प्रधानमंत्री चुप और मौन है। प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों का बौ नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री जी हकला प्रधानमंत्री हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी इतने अमानवीय, इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने बेशर्म हो गए हैं कि प्रधानमंत्री को यही बेटियां जब तिरंगे का सम्मान बढ़ाई, जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कराया, तब प्रधानमंत्री सेल्फी ले रहे हैं, अपने ट्विटर से, अपने सोशल मीडिया से डाल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए, आप इसी देश के जनता के टैक्स के पैसों से 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, है? गधा के जन्म छुड़ा रहे हैं आप। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आपको कर्नाटक चुनाव के लिए समय है, लेकिन देश की बेटियां देश की राजधानी में आपके आवास से चंद कदमों की दूरी पर है, और आपकी बेशर्मी यह है कि आपको नींद कैसे आती है प्रधानमंत्री जी, आप ये तो बता दीजिए। आप भी तो हर जगह जो है आंदोलन में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर भी आ गए, आंदोलन जी भी बताया जाता है, इसीलिए आप बताइए। भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, आप रोटी खाते हैं कि गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, बताइए सही बात। अरे भैया, किसान बैठे थे सड़क पर, तो क्या वहाँ नहीं जाना चाहिए? हम भी किसान के बेटे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो क्या जो हम सबका पेट पालनहार है, क्या उस जो धरती के भगवान है, क्या उनके सम्मान में हमको नहीं जाना था? आप बताइए आप। लेकिन क्या लगता है कि आप जो है, यहाँ पर साक्षी मलिक ने कल आरोप लगाया कि यहाँ पर मीडिया कवरेज उनके मार्च को भी नहीं दिखा रहा है, लोगों तक बात ही नहीं पहुँच पा रही है, तो आप लोग कैसे बात पहुँचाएंगे? एक बात बताइए, मीडिया आ रही है? मीडिया तो लगे पहले लगे भाई, सुन तो लो ना, मीडिया के लोग पाकिस्तान में जाके दाऊद का बेट गिन लेता है, यूक्रेन में कौन कौन देशों से ड्रोन आया, ईरान ने कब भेजा, वो दिखाई दे रहा है। देश की बेटियों के लिए समय नहीं है, ये मीडिया नहीं है, ये लोग आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी इसे भी बढ़कर हैं। एक जगह आतंकवादी बम फोड़ सकता है, ये मीडिया के लोग सिर्फ और सिर्फ देश लूटने वालों का, देश को गर्त में ढकेलने वालों का साथ देते हैं। हमें, हम सब देशवासियों को मीडिया का भी विरोध करना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ज्यादा टीवी पे दिखाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे बागेश्वर बाबा का भी ज्यादा प्रचार हो रहा है। अच्छा, लेकिन इन लोगों का पहलवानों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा, बेटियों के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अच्छा, ये लोग पाकिस्तान की बेटी है कि हिंदुस्तान की, बताइए? आप पत्रकार है, बता दीजिए भैया। अरे अरे भाई, बेटी है जब मेडल जीत कर लाए। अच्छा, ये अभी पाकिस्तान की बेटियां हैं कि हिंदुस्तान की बेटियां हैं? भारत की बेटी है। हिंदू की बेटियां हैं कि नहीं है? तो भैया कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में है, आप समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, DGP हिंदू, SP हिंदू, कलेक्टर हिंदू, तो इन हिंदू बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? आप भी तो हिंदू ही हैं। अरे भाई, तो इसीलिए तो आया हूँ ना,
तो बताता रहा हूँ, आप जैसे पत्रकारों को दिख नहीं रहा, आप हिंदू राष्ट्र की बात, अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। पंकज जी, हर चीज जाति धर्म पर क्यों चली जाती है? अरे आप ले जा रहे हैं, आप जैसे पत्रकार जब रहोगे तो देश में, हम तो यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। आप कहाँ पूछ रहे हैं? आप पूछिए ना कि प्रधानमंत्री जी आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिस ब्रजभूषण शरण सिंह की दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था, तिहार जेल में बंद था, ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले में कोई अब्दुल होता, कोई गफार होता तो आप पता लगा लेते। जैसे श्रद्धा के केस में आपने पता लगा लिया, आरी कहाँ से लाया, ब्लेड कहाँ से लाया, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, नार्को टेस्ट कराया, तो ब्रजभूषण शरण सिंह का क्यों नहीं कराते बताओ? नार्को टेस्ट हो जाए तो क्लियर हो जाएगा, ये आप कह रहे हो। बिल्कुल जांच होने चाहिए, जांच का विषय है। क्यों ना कई बार, अरे भाई तो, अरे भैया आप जैसे बेशर्म लोग यही डरा डरा कर तो देश के लोगों को घरों में बंद करा देते हो। टेस्ट तो आप जैसे पत्रकारों का होना चाहिए। उन्होंने पहले हिंदुस्तान में पत्रकारों की शादी नहीं होती थी, चूंकि पत्रकार ईमानदार थे, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां नहीं होती थी। जब से भाजपा आई है तब महंगा महंगा गाड़ी हो गया है। सबसे पहले तो पत्रकारों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस है, कितना कमाते हो भैया? आज एक चैनल खोलने के लिए कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का सेटअप चाहिए। एक 30 से 35 हजार रुपया कमाने वाला अर्णब गोस्वामी के पास रिपब्लिक भारत का कई चैनल खुल गया, पैसा कहाँ से आया? भारतीय जनता पार्टी का नेता, राज्यसभा सांसद, जो बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का फाइनेंस है, समझो। ये संविधान नहीं होता तो आज हम भी नहीं बोल रहे होते और तुम भी खड़े नहीं होते। तुम तो यही बेशर्मी करो, आओ पहलवान बेटियों के बारे में नहीं पूछ रहे, आप नहीं पूछ रहे। गुजरात में 42,000 महिलाएं गायब हैं, उस पर आपको NCERB का डाटा है, उस पर सवाल नहीं है। आपको सवाल नहीं आता पूछने कि RSS का प्रदीप करुलकर जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे कर रहा था, आप जिसके चार चार पीढ़ियां RSS के संस्कार साला में, यही संस्कार RSS का है, जिसके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, उनकी नजायज औलादें आज भी देश के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा, मुखबरी कर रहा, उस पर सवाल नहीं पूछ रहे। कानपुर की घटना पर सवाल नहीं पूछ रहे। अभी आपने जब कश्मीरी पंडितों को 12 से 13 महीने हो गए वेतन नहीं मिल रहा, उस पर सवाल नहीं पूछते, आप नहीं पूछते सवाल। पूछा जा रहा है सवाल, आपको क्या लग रहा है? सवाल पूछा आपने, कौन है, क्या नाम है उसका? अरे भाई RSS का वो DRDO में जो वैज्ञानिक है जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था, उसकी जानकारी है आप पत्रकारों के पास? आप कई बार चैनल पर वीडियो डाले हो बताओ? क्यों नहीं डाले? अगर उसी जगह पर कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, कोई गफार होता, तो नागिन डांस डाल रहे थे चौक चौराहे पर घगरा चोली पहन के, तब ठुमका लगा रहे होते हैं। आप बताओ ना, आप नहीं सवाल पूछते कि पुलवामा घटना में 300 किलो RDX कहाँ से आया, जिलेटिन कहाँ से आया, जब दिल्ली में बैठा हुआ ये जो 56 इंची वाले प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री, बुजदिल प्रधानमंत्री, या कहां से RDX आया, कहां से वो जेलेटिन आया, वो कार किसकी थी, सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर प्रधानमंत्री को सत्यपाल मलिक के बातों का जवाब देने में डर क्यों लगा है? पर जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ CBI ED की अगर नहीं जा रही, उल्टा कश्यप तो बोली ना कि तथ्य क्या है इसका, किसका बोल रहे आरोप लगा रहे, क्या हो जाएगा क्या? मैंने जैसे हुआ वैसे प्रक्रिया आप लोगों के पास फिर से दिखाया जाए। नहीं, आप दलाल है कि पत्रकार है? अरे वो भी महिला है, शर्म आनी चाहिए। अरे भैया किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े, CANRC में किसान आंदोलन में छात्र नौजवान करे तब, तो टुकड़े टुकड़े कौन है? टुकड़े टुकड़े तो आपके बाप दादा हैं जिन्होंने गोरे अंग्रेजों की दलाली की, मुखबरी की, जिन्होंने 1933 में अहमदाबाद के हिंदू महासभा के अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया, 1941 में बंगाल प्रेसिडेंसी में गुलाम हुसैन अहमदुल्ला खान और जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया, 1943 में सिंध प्रांत में सरकार बनी, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब तमाम देश के महान क्रांतिकारी गोरे अंग्रेजों से, जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संघ में गया, वो संघ की दलाली करने वाले लोग, सावरकर जैसे लोग तमाम तरह के 60-60 रुपया पेंशन ले रहे थे, गार्ड की नौकरी ले रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं, अजीब सी बात कर रहे हो यार। आप आए पहलवानों के लिए लेकिन आप ज्यादातर मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सुनो, ये मोदी फिफिया की बीमारी है, एक माला ले लो 108 दाने का,
मोदी 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 मोदी। अरे देश का प्रधानमंत्री आप हो, आपको गाली दूं? आप इसका सलूशन करोगे? आप ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में भेजोगे? अरे भैया, टीम के कप्तान को ही गाली और ताली दोनों बजता है। सब चीज का शोहरत प्रधानमंत्री लेते हैं तो इसका कौन लेगा? कौन लेगा भैया? अच्छा, आप भी कांग्रेस की गलती से ही पैदा हुए क्या हो? लेकिन आपकी जो भाषा है वो जिस तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, मर्यादित होना चाहिए ना? मर्यादित होना चाहिए। सुनो, पुलवामा घटना की जांच नहीं हो, ये मर्यादित है? अगर हमने पुलवामा घटना की बात की कि 300 किलो आरडीएक्स, 50 किलो जिलेटिन किसके थे, वो कार किसकी थी, तो अमर्यादित है? आप समझो, देश की बेटियों को इंसाफ मिले अगर हम इसके सम्मान में हैं तो ये अमर्यादित है। आप बलात्कारियों को बचाओ तो ये मर्यादा है? कौन सी मर्यादा की बात कहते हो? सीखो, अरे बेशर्मो भाजपा के दलालो, सीखो प्रभु श्री राम से। जब प्रजा ने सवाल किया तो प्रभु श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया, उन्होंने राष्ट्र धर्म का, राजा के धर्म का पालन किया। और यही पालन दलाल किसके लिए कह रहे हैं? बेशर्म दलाल जो लोग इस पर सवाल पूछते हैं, आप रामचंद्र जी से सीखिए, हमारे आराध्य। अरे सुनते लो, अरे बेशर्मो सुनते लो, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने प्रजा के कहने से, चूंकि वो राजा थे, जब लवकुश ने बिहार के वाल्मीकि नगर में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा और उन्होंने अपने पिता राम से कहा कि राम की ऐसी क्या मजबूरी थी जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, तो उन्होंने लवकुश से कहा, हे पुत्र, मैं एक राजा हूँ और राजा का दायित्व है कि अपनी प्रजा की बातों को सुनना। तो प्रधानमंत्री को धर्म के हिसाब से भी, संविधान के हिसाब से भी, राष्ट्र धर्म का और हिंदू धर्म का पालन करते हुए देश के पहलवान बेटियों के सम्मान में ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाल देना चाहिए। और उनका तमाम पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, तमाम तरह के टेस्ट होने चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? कानून के पाँव छोटे हैं, हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनके गिरेबान तक पहुंचेगा। पंकज जी, आप ही सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये गोदी मीडिया है, ये प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी नहीं है। हम नहीं बांट रहे, नहीं। आपने सवाल किया, एक बात बताइए, सुनिए, ए भाई सुन लो, अब सुनो, मैं आपका आदर करता हूँ, आप पत्रकार हो, लेकिन हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है, महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, लेकिन जब पूतना बनकर, जब स्तन पर विष लगाकर बच्चों को मृत्यु दंड दोगे तो हम बद भी करेंगे। आप सुन लो ना, बिल्ली की तरह रास्ता काटते हो, बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। अभी बात पूरी नहीं हुई, लुब से टपक पड़े, सुनो तो पहले, टट्टर नहीं करो बरसाती मेंढक की तरह, सुनो पहले बात, समझो आप। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है पत्रकार महोदय, कि आज 26वां दिन तक प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हर चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में पहुंच जाते हैं, वार्ड काउंसलर के, हैदराबाद के चुनाव में देखा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में घर घर पर्चा बांटते देखा, वो प्रधानमंत्री अपने ही देश की बेटियाँ, जो तिरंगे का सम्मान बढ़ाई, जो देश का सम्मान बढ़ाई, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने सेल्फी लिए, सोशल मीडिया पर डाला, उन बेटियों के पास आकर बैठने का समय नहीं है, तो क्या सवाल बनता है या नहीं? प्रधानमंत्री पर ना राहुल गांधी भी नहीं आए थे। अब सवाल बनता है नहीं, एक बात बताओ, ये गलत है या सही है, आप भी बोलो। एक बार इनके तरफ भी कैमरा घुमाओ, भाई साहब बोलो, आपको देखो, आप अगर हिंदू हैं तो आपको गीता और रामायण की कसम, अगर मुसलमान है तो आपको कुरान की कसम, आप अगर ईसाई हैं तो आपको बाइबिल की कसम, अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो आपको सरल गुरु ग्रंथ साहिब की कसम, आप अगर जैन है तो नासिक शास्त्र की कसम, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, आपके बच्चियों का वास्ता। आप बताओ कि प्रधानमंत्री ने इन बच्चियों के साथ ना इंसाफी करी या ना करी? आप बताओ, आपके पत्रकारिता का वास्ता, आप दलाली करना छोड़ दो, जो हराम का खाता है वही भाजपा का गुण गाता है। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप इन बेटियों का सम्मान कीजिए, जाइए भाजपा नेताओं से सवाल पूछिए। अरे विधायक का पद कुछ भी नहीं है, अगर अपने बहन बेटियों की इज्जत बच गई तो सारी खुशी कुर्बान है। अरे भाई सुन लो, अरे बेशर्मो, अगर आपके बेटियां होती, आपकी बहन होती, तब भी बाहुबली बाहुबली कर रहे होते? अरे क्या गंदे सवाल पूछते हो यार। अरे प्रधानमंत्री कैलाश्वरी की बात कर रहे हैं, बोले विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री। गुजरात में 5 साल में कितनी लड़कियां गायब हैं? थोड़ा इधर भी माइक लगाना भैया, पूछो ये दलाल पत्रकार से, भाजपा कार्यालय से आया। अरे भाई बताओ, अरे बेशर्मो क्या सवाल पूछते हो? अरे जो, अरे सुन लो, जो केरल स्टोरी में 20,000 का डाटा दिया गया, अरे अरे सुन तो लो, पता नहीं ये 32,000 32,000 आपको माँ बाप का वास्ता है, आपको पत्रकारिता का वास्ता है, रियल वो फेक न्यूज था या नहीं था,
जिस पर केरला स्टोरी बना, बताओ। अरे गोबर खाते हो, गोबर को छुपा रहे हो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। अरे भाई सुन लो, बंगाल के दलालों सुन लो, 42,000 लड़कियां महिलाएं गुजरात से गायब है। अगर माँ का दूध पिया है तो गुजरात स्टोरी बनाओ ना। और जो केरल में 20,000 महिलाएं गायब है उसका डाटा दो, हम केरल स्टोरी का समर्थन करेंगे, हम प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगे। लेकिन आप फॉल्स खबर चलाओगे, आपने भगवा पर फैलाया था। सुनो, अरे तुम तो लो, सुनो पहले बात। आप भगवा पर कह रहे थे रविवार को भूरा, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को संतरा, शनिवार को नीला और काला। तो कौन सा कलर का हम अंडरवियर बनियान पहने, बता दो, बता दो। अरे भैया, अरे तो सब तो भगवान को चढ़ता है, भगवा भी जैसे भगवान का है, सफेद भी भगवान का है, लाल भी भगवान का है, हरा भी भगवान का है, तो हम कौन सा कलर का पहने। देखिए, हम सभी देशवासियों से हाथ जोड़ कर कहते हैं, जाति धर्म भाषा के हिसाब से आपस में नफरत मत कीजिए। ये देश हमारा और आपका है, हमारे आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे को चूमा है, गोरे अंग्रेजों की यातनाएं सही है, हमने देश को आजाद कराया है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। आप समझिए, ये देश भाई भाई, ये देश हमारे आपके बाप दादाओं की कुर्बानी की बदौलत है। हमें इस देश को बचा के रखना है। ये चंद नेता, गद्दार नेता अपने ही मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। हमें देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करनी है, हमें रोटी, कपड़ा, मकान की बात करनी है, हमें अपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात करनी है, हमें इसमें धर्म का एंगल नहीं देखना चाहिए। और आप पत्रकारिता करते हैं, आपका पत्रकारिता का धर्म है, आप सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर प्रधानमंत्री जी आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, आप 15 दिन कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन 26 दिन से देश की बेटियां, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, भारत का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां सड़कों पर बैठी है और आप चुप और मौन हैं। आप बेटी का बौ नहीं बोलते, नारी का नौ नहीं बोल पाते, महिलाओं का मौ नहीं बोल पाते, पहलवानों का पौ नहीं बोल पाते। क्या प्रधानमंत्री जी आपको औसे ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है? क्या आपकी डिग्री फर्जी है? अगर आप वाकई पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी भी जमीर है, अगर हिंदू धर्म का आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आइए, हिंदू बेटियां खतरे में है। हम नहीं डरते हैं। ये जो NSA UPA में डालने की बात भाजपा RSS के लोग करते हैं, बोलने वालों को जेलों में डाल दिया जाता है, हम नहीं डरते हैं। हम खुदीराम बोस के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे, लेकिन देश के बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। जाओ, आपको जो भी करना है, हमने आपके बाप दादाओं को भी देखा जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, जो नहीं चाहते थे देश को आजाद होने देना। आज भी RSS के लोग, प्रदीप परूलकर पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था, हम नहीं डरते, हम अपने वतन को बचाना जानते हैं, हम हिंदू मुसलमान में नहीं लड़ना जानते, हम इंसान हैं, इंसानियत की बात करेंगे। और हमारा धर्म कहता है, हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, नर ही नारायण है। तो इसी के साथ हमें सबको, पूरे देशवासियों को, अपने घर और मकानों से निकलना होगा, देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचानी होगी, भाजपा RSS नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आज आखिर क्या मजबूरी है कि 26 दिन हो गए देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री चुप और मौन है, स्मृति ईरानी जी महिला विकास मंत्रालय मौन है, और बाल सुरक्षा एक अलग से उनके जो चीफ हैं वो भी नहीं बोल रहे, वेतन भत्ता ले रहे। अरे किसी की भी बेटियां हो, बेटियां तो बेटियां होती है, आपको उसके इंसाफ में आना चाहिए। और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।